ऐसा एक मामला आया है जो कि भोपाल और रायसेन के किसानों से जुड़ा हुआ है। हालांकि हमारी जानकारी ये भी बता रही है कि ये मुद्दा मध्य प्रदेश के कई और किसानों से जुड़ा भी हो सकता है। मामला है कृषि उपज मंडी के द्वारा किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किए जाने का। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट में। इंडिया फर्स्ट की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। इंडिया फर्स्ट ने अपने खास कार्यक्रम किसान फर्स्ट में धान के किसानों को भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया था। क्या वजह है कि कृषि उपज मंडी के अधिकारी ये भुगतान नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोगों को दलील देते हैं? वो दलील देते हैं, हमें यहाँ से ये है 2019 का प्रकरण। जनवरी 2019 में हम लोगों ने रायसेन मंडी के अंदर धान बेची थी, तब से वो व्यापारी वहाँ पे डिफॉल्टेड हो गया, उसने पैसा हमारा नहीं दिया। किसान फर्स्ट की इस पहल के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को जल्द भुगतान का भरोसा दिलाया था। कृषि उपज मंडी में जो भी खरीद होती है व्यापारियों के द्वारा, उनके लाइसेंसधारियों के द्वारा होती है, अनुबंध पत्र से होती है और उनको 24 घंटे के अंदर पेमेंट करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर किसान शिकायत करता तो हम पेमेंट करवाते हैं। इंडिया फर्स्ट की इस मुहिम का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धान के किसानों को जल्द भुगतान के लिए बड़ा कदम उठाया है। ये मैं बधाई देता हूँ, ये किसान जो भटकते रहते थे, ये शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी किसान का एक नया पैसा अगर गुना का और हो गया तो नहीं बचेगा। 100% भुगतान हमने सुनिश्चित कर दिया और जिनके कारण गड़बड़ हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। आगे ये उदाहरण बनना चाहिए, नहीं तो एक भी किसान अगर अपना उत्पाद बेच के, एक भी किसान अगर अपना उत्पाद बेचने के बाद पैसे से वंचित रहता है तो वो हमारे लिए कष्टकारक है, पीड़ादायक है। इंडिया फर्स्ट आम जनता से जुड़े मुद्दों को ऐसे ही बेबाकी और पूरी जिम्मेदारी से उठाता रहेगा। आप भी बने हमारी ताकत, सब्सक्राइब करें इंडिया फर्स्ट न्यूज को। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।